जिस तरीके से उन्होंने ध्यान से सब सुना एंड उनके दिमाग में क्या आई, ही वॉज एक्सप्रेसिंग. आज क्या चल रहा है तो और कन्नड़ा इंडस्ट्री में हमको इधर क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में भी पूछा है उन्होंने. दोस्तों, केजीएफ स्टार यश रॉकी भाई और कांतारा के एक्टर ऋषभ सेठी रिसेंटली पीएम मोदी से मिले हैं, तो फिल्मों को लेकर उन्होंने क्या बात की पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं. दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजभवन में कन्नड़ा इंडस्ट्री के बड़े एक्टर रॉकी भाई और ऋषभ से मुलाकात की. दोस्तों, खबरों के अनुसार इन सभी के लिए राजभवन में एक डिनर भी होस्ट किया गया था, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें पीएम मोदी के साथ केजीएफ 2 की अपार सफलता के बाद कन्नड़ा सिनेमा के साथ इंडिया का फेमस चेहरा बन चुके यश और साथ ही कांतारा से ऋषभ शेट्टी रातों रात एक ब्रांड और पैन इंडिया स्टार बने ऋषभ शेट्टी नजर आए. इस मुलाकात के दौरान एंटरटेनमेंट और फिल्मों पर काफी बात हुई. इसके साथ ही राज्य में थिएटरों की संख्या बढ़ाने, सिनेमा का प्रभाव और सिनेमा का इकोनॉमी में योगदान जैसे विषयों पर भी बातचीत की गई. दोस्तों, पीएम मोदी इस मीटिंग में रॉकी भाई और ऋषभ शेट्टी से पूछते हैं कि छोटी फिल्म इंडस्ट्री को जो चाहिए आप अपनी बात कह सकते हैं. दोस्तों, साथ इस पर भी बातचीत की गई थी कि आने वाले टाइम में लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से कैसे जोड़ा जाए और कांतारा दमन जैसी छोटी फिल्मों को प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए उनके लिए नए थिएटर भी बनाए जाएंगे. दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने यश ऋषभ शेट्टी और अश्विनी पुनीत राजकुमार को डिनर पार्टी में इनवाइट किया था. इस मुलाकात के दौरान मोदी ने सभी से ये वादा किया है कि उनकी सरकार कन्नड़ा सिनेमा के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी. दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में सिनेमा में एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी. दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना.